हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। आज है नवरात्रि का पांचवा दिन और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने चैनल में विद द नेम ऑफ गॉडेस दुर्गा। 9 दिन का फेस्टिवल है ये तो आप सभी जानते हैं, और इन 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा होती है, जो कि कुछ इस तरह है। माँ के पहले रूप को कहा जाता है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुष्मांडा, पांचवे दिन स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, और नवे दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। वैसे तो हिंदू महीनों के अनुसार नवरात्रि साल में 4 बार आती है, और ये 4 महीने हैं माघ, पौष, आषाढ़ और अश्विन। और इन सभी 4 नवरात्रि में से जो सबसे स्पेशल मानी जाती है वो है शरदीय नवरात्रि, जो कि अभी चल रहे हैं। माना तो ये जाता है कि शरदीय नवरात्रों की शुरुआत श्री राम जी ने की थी। अब देखिए, जैसा कि आपने नवरात्रों के 9 दिनों में फास्ट रखना है, और हाँ मैं जरूर बता दूं कि फास्ट वो ही रखें जिनके मन में श्रद्धा है। अगर आपके मन में श्रद्धा भाव नहीं है और आप व्रत रखने जाने वाले हैं, तो माने या ना माने आप खाकर ही अपने व्रत को पूरा करेंगे। ऐसा गलत नहीं है कि आप व्रत में खा रहे हैं, बट द थिंग इज उपवास का मतलब है कुछ ना खाना। मैं भी अपना उपवास कुछ इसी तरह से रखती हूँ। पूरे दिन में नमक सिर्फ एक बार खाते हैं, फलाहार अगर जरूरत है तो, बाकी चाय का सेवन मैं करती नहीं तो मुझे जरूरत पड़ती नहीं। इसी तरह से उपवास रखना ज्यादा मुझे पसंद है, बाकी आपकी चॉइस, आपकी भक्ति, आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपना व्रत रखना चाहते हैं। यज्ञ हवन पूजन का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है नवरात्रि में, तो आप भी वक्त लगने पर मंत्र जाप और पूजा जरूर करें। नवरात्रि के पहले दिन आप करेंगे कलश स्थापना। कलश स्थापना करने से हम माँ दुर्गा को देवी रूप में वहाँ बिठाते हैं। अगर आप अपने घर में अखंड ज्योत जला रहे हैं तो उसका ध्यान बहुत ही अच्छी तरीके से रखें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, यहाँ तक तो बात हुई व्रत रखने की, अब बात करते हैं कि इन व्रतों में खाया क्या जाए। इन व्रतों में बेसिकली जो हम खाते हैं वो है कोटू, सामा के चावल और आलू। ये 3 आइटम है जो आपको हर किसी नवरात्रि व्रत रखने वाले के थाल में ज़रूर दिखाई देगा। और सादा नमक आप यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे सेंधा नमक। व्रत में सेंधा नमक ही खाया जाता है। शाम को मम्मी बनाती हैं इन्हीं सब चीजों से भोग, और वो भोग चढ़ाया जाएगा सबसे पहले देवी माँ को। देवी माँ को भोग चढ़ जाने के बाद और उसके बाद हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसी तरह से आप भी नवरात्रि व्रत कर सकते हैं और उस एनर्जी को फील कर सकते हैं। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इंजॉय दीज 9 डेज। अगर आपने व्रत किया है तो भी, नहीं किया है तो भी। जैसा कि आज 5वां दिन है और अब 6, 7, 8 यानी जो अष्टमी मनाते हैं उनके लिए 8वां दिन, और जो नौमी मनाते हैं उनके लिए 9वां दिन। इस तरीके से 9 दिन आप देवी की पूजा करके 9वें दिन कलश को अपने स्थान से निकालकर उसे तोड़ सकते हैं, प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और फिर आता है दशहरा। कुछ लोग दशहरे की पूजा भी करते हैं। मैं उत्तराखंड से हूँ तो हमारे यहाँ दशहरा पूजा नहीं होती है, यानी जो लोकल पीपल हैं वो दशहरे की पूजा करते हैं। और इसी तरीके से हमारे ये 9 दिन के व्रत संपन्न होते हैं। 2 ऋतुओं के मिलन होने की वजह से भी इन व्रतों का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। इस दौरान बहुत सारी बीमारियाँ हमारे शरीर को जकड़ लेती हैं, जिस वजह से हम स्वस्थ फील नहीं करते हैं। और उपवास रखने से हमारे पेट और हमारे मुख में कुछ दिनों के लिए रोग भी लग जाता है, इस वजह से भी नवरात्रि की विशेष महत्वता है। तो आप भी व्रत रखें, 9 दिन उपवास रखने के बाद अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइस। टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।